हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, फिट है, एनर्जेटिक है, क्या बात है आपकी। अच्छा जनाब, जाहिर है जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मेरा जिक्र तो नहीं हो रहा कहीं? अच्छा नहीं, मेरा कोई जिक्र नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके साथ एक मसला वक्त के साथ साथ ये हो जाता है कि वो सुनना कम कर देते हैं। और क्या ही अच्छा हो कि आप बोले भी अच्छा और सुने भी अच्छा। अरे अच्छा सुनना क्या होता है? अच्छा सुनना ये होता है कि जब आप बोल रहे हैं और किसी को उसके बाद उसके जवाब में सुन रहे हैं, तो आप ये नहीं सोच रहे कि इसके बाद मैंने क्या बोलना है। थोड़ी सी टेक्निकल बात है। देखिए, मैंने कुछ कहा, आपने उसका जवाब दिया और फिर मैंने उसका जवाब दिया, और ये गुफ्तगू का बुनियादी असूल है। लेकिन आम एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जब कोई दूसरा जवाब दे रहा होता है, हम उसके जवाब या उसकी बात पे तवज्जो नहीं कर रहे होते। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द फैक्ट, हम ज्यादा ये सोच रहे होते हैं कि मैंने इसके बाद क्या कहना है। ऐसे में हम बहुत सी चीजें जो सुननी चाहिए और बहुत सी ऐसी बातें जो सुनने से शायद मसला हल हो जाए, वो हो नहीं पाता। इसका मुजाहरा अक्सर हमारे जो टेलीविजन इंडस्ट्री है उसमें आपको टॉक शोज में भी नजर आता है, और क्रिटिसाइज भी होते हैं हम लोग मीडिया के लोग के, जी आप लोग बस सब लोग बोल रहे होते हैं और सुनने का अमल कम होता है। और ये माशरे का भी मसला है, तो इसके तरफ तवज्जो दिलानी जरूरी है। और इसका हल ये है कि आज आपने इसकी थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज ये है जनाब कि आज आपने घर में अपने ससुर के पास, अपने ड्राइवर को, अपनी बहन को, दफ्तर में किसी को, अपने बच्चे को, बच्चों को हम नहीं सुनते, उनके पास आपने जाना और कहना कि आज I want to listen to you। मतलब ये कहना नहीं है, लेकिन उनको आपने सुनना है। हम कितनी दफा एक ही घर में रहते हुए, एक ही कमरे में रहते हुए दूसरे को सुनना भूल जाते हैं। याद कीजिए, आपने गौर से अपनी वालिदा की या अपने वालिद की या बड़ी आपा की या फुफ्फो की बात गौर से कब सुनी थी? शायद जवाब देना मुश्किल हो जाए, इसलिए कि जिंदगी का जो झमेला है, इधर भाग उधर भाग, हाँ जी सुबह उठे, नाश्ता किया, जाना है दफ्तर, ये वो, फोन आ गया, व्हाट्सएप पे, इन सारी चक्रों में हम दो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, एक हमारे बुजुर्ग और एक हमारे बच्चे। तो आज इन दो सेगमेंट्स को हमने सुनना है। मेक एन एफर्ट, कॉल कर लें चची रजिया को और कहें चची रजिया और सुनाए क्या हाल है, उसके बाद चची रजिया जो भी कैथारसिस करना चाहे उसको सुने। ये आज का हमारा आपके लिए एक टिप है, ताकि हम सुनने की रिवायत को दोबारा से जगा सकें। और जनाब आज के शो में क्या है? आज के शो में अच्छी खाला है, और अच्छी खाला बच्चों को कहानी सुनाएंगी, जो कि सबक आमोज कहानी होती है और बच्चों में बहुत पॉपुलर हो रही है। हर फ्राइडे को हमारा ये बहुत पॉपुलर सेगमेंट है। और रिदा बाजी भी हैं, और रिदा बाजी आज कोई मेंस वेयर के हवाले से हमें कुछ टिप्स देने जा रही हैं कि मर्दों को कपड़े, जूते और कुछ इस हवाले से कुछ सीन है जो कुछ देर में ऑन होगा रिदा बाजी के सेगमेंट में। और साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि हम कुछ गेस्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि शयान आज मेरे बड़े प्यारे दोस्त आए हैं, और वो बहुत ही यूनिक पेट लेके आए। आपको पता है ना, बहुत से पेट्स आते रहते हैं हमारे शो में। आज एक ऐसा पेट है, एक ऐसा पालतू दोस्त है हमारा जिसको पालना बहुत मुश्किल है, और शयान ने उनको घर में रखा हुआ है और उनको पालते हैं। हम शयान से कुछ टिप्स भी लेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, ट्रेनर तहमीना एंड ट्रेनर काशे। क्या हाल है जी? ठीक है, ठीक, जबरदस्त। क्या है आज हमारे लिए आपके पास? आर्म्स। आर्म्स आर्म्स में ओपन आर्म्स, ओपन आर्म्स हैं बिल्कुल। लेकिन आज हम ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ट्राइसेप का मकसद है कि तीन मसल्स इकट्ठे हैं। अच्छा जी, ट्राइसेप्स जरा काशे बताए, होता कौन सा मसल है? यहाँ का, इस साइड देखिए, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, ट्राइसेप का, यानी बाजू के पीछे का जो मसल है उसको ट्राइसेप कहते हैं। साथ में हम बाइसेप भी ट्रेन करेंगे। और बाइसेप क्या होता है? बाइसेप ये डोले। काशिफ को मौका चाहिए अपने डॉलर पोजिंग करने का। तो बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस है, मर्द और खवातीन दोनों एक्सरसाइजेस ये कर सकते हैं घर पे। वेट्स का अगेन जैसे हम बताते हैं इशू कोई नहीं है, आप चाहें तो आप पानी की बॉटल्स ले लें, आप चाहें तो लाइट वेट इस्तेमाल कर लें। और खासतौर पे लड़के चाहते हैं जी बड़े बड़े डोले होने चाहिए हमारे, तो उनकी बहुत फरमाइश। और ये भी हम बताते चलें कि हमें इनबॉक्स किया फेसबुक पेज पे क्वेटा से मुदस्सर इकबाल ने, और ये ट्राइसेप और बाइसेप की तरफ उन्होंने तवज्जो हमारी दिलाई थी कि जी ये जरा कमी लग रही है। तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं बाइसेप की एक्सरसाइज पहले। ठीक है, अच्छे जी, ये में से 8 किलो के
8 किलो के जो है ना, मतलब आज इम्तिहान है मेरा, लेकिन आई विल स्टार्ट विद द हैमर का। 8 किलो मत को, 8-8 किलो, 8-8 किलो, 16 किलो एक तरफ। आई विल डू 1 by 1, ठीक है। अच्छा, मैं बेसिकली कर रही हूँ हैमर कर्ल, हैमर कर्ल, हैमर कर्ल, हैमर को क्या वो कहेंगे उर्दू में, हथौड़ा, हथौड़ा, हथौड़ा। ये क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है कि जैसे आप हथौड़ा कर रहे हैं, तो चूंकि बाइसेप और ट्राइसेप, यानी ये आपकी बाइसेप, वो ये तो नहीं उठाया जा रहा है, ठीक है। तो आई विल डू वन आर्म, ये बाइसेप है आपका, इसको कहते हैं बेसिकली हैमर का, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट मैं भी आपको ये करके दिखाता हूं, तमीना ने डेमोंस्ट्रेशन दिया फ्रॉम, इतना भी अब चैलेंज मुझे कांशिना ना दे कि 8-8 किलो के वो करो बाइसेप्स। बिल्कुल, तो आपने शुरू करना है पहले बाइसेप स्टैंडर्ड कर्ल्स, आपने आर्म स्ट्रेट रखने हैं, एल्बो बिल्कुल लॉक करके आर्म स्ट्रेट, सिंगल आर्म आपने पहले बताया था, सिंगल आर्म्स कर्ल करना है ऑल द वे अप, पूरा ऊपर और पूरा नीचे, फुल एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और वो जो काशिफ कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन बहुत जरूरी है, यानी exactly. आपके माइंड का और आपके ट्राइसेप और बाइसेप का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो ब्लड है, ब्लड कैरीज ऑल द अमीनो एसिड्स, यानी कि जो आप डाइट खाते हैं पूरे दिन में, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, आपके मसल्स तक पहुँचते हैं। जब मसल आप कर्ल कर रहे हैं तो मसल टिश्यूज आपके डैमेज हो रहे हैं ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। हैमर कर्ल की जो तहवीना ने एक्सरसाइज बताई थी, अगेन आपके जो पाम होंगे अंदर की तरफ होंगे आपके, आपने मुक्के की तरह यूँ ग्रिप करनी है इसकी, और आर्म अगेन स्ट्रेट, चेस्ट अप, कोर नाइस एंड टाइट, फ्लोर के साथ ग्रिप करनी है आपने, और गर्दन पे गैर जरूरी जोर नहीं देना, और ऑल द वे अप। बेसिकली जो बाइसेप है, बाइसेप का लॉन्ग हेड हम ट्रेन कर रहे हैं, ये जो होता है इसको लॉन्ग हेड कहते हैं। इसमें भी हमने लॉन्ग हेड ट्रेन किया, और इसमें भी हम अगेन लॉन्ग हेड ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक और जो फॉर्म है, अगर आप इसको इनवर्ड रखेंगे हैमर को, आप देखिए दिखा सकें, अगर इनवर्ड से मुराद अपने चेस्ट की तरफ उसका एंगल, नाक की सीध में या चेस्ट की तरफ, बिल्कुल आपका क्लोजअप है काशिफ, बताइए। तो आप देखें आपका यहाँ पे ब्राकियालिस मसल, स्मॉल मसल, वेरी स्मॉल मसल, ये ट्रेन हो रहा है अगर आप इनवर्ड रखेंगे इसको, और अगर अगर आप रखेंगे, अगर आप स्ट्रेट रखेंगे तो आपका अगेन लॉन्ग हेड ट्रेन होगा, और मेक श्योर जब ऊपर आ रहे हैं तो स्क्वीज करें ताकि मसल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो, ब्लड फ्लो हो। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारी है ट्राइसेप। ट्राइसेप हम लगाएंगे डबल आर्म, आपने देखिए डंबल उठाना कैसे है, वेट कैसे उठाना है, मेक श्योर आपका पॉस्चर फॉर्म ठीक होनी चाहिए, फॉर्म इज़ द की, इंजरी के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। आप 90 डिग्री एंगल, आपने बिल्कुल आराम से बैठ के डंबल को यहाँ रखना है, लेफ्ट साइड रखें, राइट साइड रखें, और अगर आप क्लोजअप दिखा सके मेरा, ग्रिप इसमें की है, आपकी ग्रिप ये होनी चाहिए, ये अंगूठे से ऐसे, और दूसरा ये, यानी एक हाथ दूसरे हाथ को सपोर्ट कर रहा है, हाँ जी, डंबल को पकड़ने जी, और फिर आपने कांधे पे रख के इसको यूं ऊपर किया ऑल द वे अप, और एल्बो जितनी करीब हो सके उतना अच्छा, पूरा नीचे जाएंगे, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देखिए आपकी एल्बो का, और यानी कि ट्राइसेप, यानी ये वाला जो हिस्सा है बाजू का, ये इस वक्त ट्रेन हो रहा है। आप देख भी सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो इस हिस्से के ऊपर पड़ रहा है। रखनी है आपने, कोई जल्दी नहीं है, 10 से 12 रेप लगाने हैं हर एक्सरसाइज के। अगर आप डोले शोले अपने बड़े करना चाहते हैं तो आप रेप रेंज कम रखिए और वेट बढ़ाते जाइए, जो डंबल्स हैं उनका वेट इंक्रीज करते जाइए। अगली एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसको कहते हैं डंबल किक बैक। अगेन डंबल जमीन पे यूं पड़े हुए हैं, तो आपने कैसे इनको उठाना है, अब बेंड हुए, बैक स्ट्रेट, पोस्चर इज द की, डंबल उठाया आपने आराम से बैक स्ट्रेट करके, अब आपने होना है बेंड, बेंड हो गया, देखिए बैक मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है, आर्च है बैक में, एल्बो उठाई आपने एंड स्क्वीज, और जरूरी नहीं है कि आप दोनों करें, आप वन बाय वन भी कर सकते हैं, यू कैन टेक अ सपोर्ट, अगर आप जिम के अंदर भी हैं या बेंच है तो आप एक सपोर्ट लें, इट्स इजी, मोर इजी। प्लीज थोड़ा सा इधर आ जाइए और एक्सप्लेन करिए जी, तो उसमें फिर ये होगा कि आपके लिए इजी होगा, काशिफ के लिए जरा आसान है क्योंकि उनके लिए ये वेट इतना मैटर नहीं करता जी, लेकिन ये भी एक ये पॉइंट है, अक्सर हम बताते रहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने 8 किलो के डंबल्स भी यूज करने हैं, आप 2.5 किलो 3 किलो से भी शुरू कर सकते हैं। असल चीज ये है कि उन के कौन सा मसल है जिसको किस एंगल से कहां पे हम स्ट्रेस देंगे तो वो ग्रो करेगा, बिल्कुल ऐसी ये कॉन्सेप्ट है। वजन जो है वो तो वक्त के साथ साथ आपके अपने बॉडी वेट के साथ, और एक खास बात है जो टिप है वो ये है कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जिम में जा रहे हैं यूं यूं झटके दे रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं, गलत है। कॉन्ट्रैक्शन माइंड मसल कनेक्शन जो मैं कहता हूँ, बिल्कुल स्क्वीज आराम से ऑल द वे डाउन, कोई जल्दी नहीं है, जैसे किक बैक स्क्वीज करना है, देखें मसल स्क्वीज किया, ब्लड फ्लो हुआ, मसल टिश्यूज आपके डैमेज हो रहे हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक फॉर्मूला हम हमेशा यूज करते हैं कि 2 टू लिफ्ट अप एंड 2 टू लिफ्ट डाउन, यस
टू क्या मतलब? टू काउंट्स, यानी अगर आपने बाइसेप कर्ल कर रहे हैं टू 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 लिफ्ट अप, यानी टू काउंट किया और टू आप करते करते आप नीचे लेके जाए. टू, दीज आर द टेक्निक्स बेसिकली. मैं बताता हूँ ये टेक्निक्स ऐसी हैं कि देखें, वन वन थ्री टेम्पो भी होता है, वन वन फोर टेम्पो भी होता है. देखें ऑल द वे अप, ये वन एंड वन टू थ्री फोर, यानी वापस जाते हुए ज्यादा स्ट्रेस लगना जी. इसेंशियल और कॉन्सेंशियल आपका जो होता है स्ट्रेस होती है बेसिकली टेक्निकली. ये देखिए वन वन टू थ्री फोर, अब इसमें वन वन टू भी है, वन टू वन टू, ये टेम्पोज हैं बेसिकली ट्रेनिंग. वन वन नहीं ठीक, बिल्कुल जितना स्लोली और स्टडी करें. तमीन एंड काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टिप्स. एक चल के लेते हैं जी छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और मशहूरियां ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम कुछ पेट्स की बात करेंगे और अच्छी खाला से कहानी भी सुनेंगे. रहिए मेरे साथ. जी जनाब, वेलकम बैक. आज किड सेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह अच्छी खाला. कैसी हैं जी? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आपकी कहानियां सुपर हिट जा रही और लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं, और हमारा क्रू भी और हमारा कंट्रोल रूम भी जो है ना अच्छा. वो कहते हैं जी हमें अपना बचपन याद दिला दिया जी. हमारा ख्याल ये था कि हमारा ये सेगमेंट बच्चों में बहुत पॉपुलर होगा कि सुबह स्कूल जाने से पहले आप अच्छी खाला से कहानी सुनेंगे. लेकिन इंटरेस्टिंगली जो हमें फेसबुक पे फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि बच्चे तो बच्चे बड़े बैठ के देखते हैं और वो कहते हैं हमें अपना बचपन याद आ गया. और बहुत खूबसूरत ये फीलिंग है, और ये एक हमारे कल्चर का एक हिस्सा था जो कि डाई डाउन होता जा रहा था. हमें बच्चों से बात करने का वक्त नहीं, जैसा कि मैं इब्तदाई में अर्ज कर रहा था, तो कहानियां सुनाना तो दूर की बात. इसलिए हमने ये चीज़ को रिवाइव किया, आपने पसंद किया. अच्छी खाला, आपकी कहानियां सुनने के लिए आज चार बच्चे मौजूद हैं सेट पे और लाखों ऑन एयर, करोड़ों ऑन एयर देख रहे हैं. ये तो तीन बच्चे, चौथा कौन सा है? ये इतने गौर से नहीं, आप गौर से देखें, करीब की नजर को जरा ताजा करें. ये तो है. हमारे साथ शायान है, ईशल है और मरियाना है. क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक? ठीक है. कहानी शुरू करें? चलें जी कहानी अच्छी खाला शुरू करें. आज जो कहानी है वो एक बिल्ली की कहानी है, पेट. आप बच्चे अक्सर जो हैं छोटे छोटे जानवर रखते हैं घर में जिन्हें पेट कहते हैं. बिल्ली भी होती है, डॉग्स भी होते हैं, मुर्गियां भी होती हैं, तोता मुर्गी, बहुत सी मुख्तलिफ किस्म के. बच्चों के अपने अपने दिलचस्पी है. जी आपको कौन सा पसंद है? फिश. फिश पसंद है? हाँ जी. और डॉग तो, या कैट पसंद है? वो भी, बच्चे जो हैं उनकी ये भी पसंद है. छोटी छोटी मछलियां भी, जैसे शायान ने रखी हुई हैं. शायान आज मछलियां लेके आए हैं जी, जी उस पे भी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे और आपको मछलियों की कहानी भी सुनाएंगे. अच्छा, मरियाना को फिश पसंद है, आपको क्या पसंद है ईशल? कैट पसंद है. और आपको? कैट पसंद है जी. तो इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी जो है वो कैट की तरफ. तो कैट की कहानी, आज कैट की कहानी हम सुनाएं बच्चों, सुनाएं. अच्छा, एक थी बिल्ली. अब कैट मैं नहीं कहूंगी, मैं उर्दू में. आपको बिल्ली समझ आती है ना? हाँ जी. तो एक थी बिल्ली. अब उस बिल्ली का ये था कि बिल्ली के चार बच्चे छोटे छोटे, एक का नाम उसने रखा बी अक्का, एक का बी बक्का, एक का बी सलक्का, और एक का नाम तिरबाचार. तिरबाचार यानी इसमें, हाँ जी, बी अक्का बी बक्का ये भी थे जिन्हें लड़के कह लें, यानी नर थे, और तिरबाचार भी नर था, और बी सलक्का जो है वो मादा थी, यानी कि फीमेल थी, यानी कि फीमेल थी. उर्दू में मादा कहते हैं, ठीक है, मादा. इंग्लिश में फीमेल. ठीक है. तो जनाब ये चारों बच्चे जो थे, बिल्ली को ये डर था कि कहीं ऐसे हम, मैं जो हूँ किसी ऐसी जगह पे चली जाऊं तो बच्चे जो हैं वो भेड़िया खा लेगा. भेड़िया भी एक उसका दुश्मन वहां मौजूद था जंगल में. तो बिल्ली ने उनके लिए एक छोटा सा घर बनाया, मिट्टी का घर बनाया, और उसमें उनके खेलने के लिए एक तरफ मिट्टी का ढेर लगाया ताकि बच्चे खेल भी सके, और एक दरवाजा लगा दिया.
और बच्चों को ये बताया कि दरवाजे को अंदर से बंद कर लो, कुंडी लगा लो जब मैं बाहर जाऊं, ताकि भेड़िया ना आए, और उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलना जब तक मैं कहूँ बी अक्का बी बक्का बी सलक्का तिरबा चार, दरवाजा खोलो दुदू पी लो, तो फिर दरवाजा खोलना है। अब जनाब बच्चों को समझ आ गई। अब अच्छा, ए भेड़िया जो था वो इस ताक में था, यानी इस इंतजार में था कि जब बिल्ली जाए तो मैं बच्चों को खा लूं, लेकिन वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करे कुछ करे, लेकिन जी बच्चे जो थे वो दरवाजा ना खोले। बड़े समझदार बच्चे थे। भेड़िया छुप गया एक दिन, वो देखने लगा कि बिल्ली क्या करती है। उसने जब सुना कि बिल्ली जो है वो ऐसे कहती है और फिर बच्चे दरवाजा खोलते हैं, तो एक दिन जब बिल्ली गई तो भेड़िया आ गया। लेकिन बच्चों आपको पता ना, बिल्ली की आवाज छोटी होती है, मियाओ, और भेड़िया का भी इतना ऐसे, तो भेड़िए ने कहा बेअक्का बेबक्का बेसलक्का तिरबा चार, दरवाजा खोलो। बच्चे कहने लगे नहीं नहीं, ये हमारी अम्मा नहीं है, ये भेड़िया है। अच्छा, अब भेड़िया परेशान, उसने कहा ये तो बात नहीं बनी। फिर वो जानवरों के डॉक्टर के पास गया, उसे कहा कि मेरा ऑपरेशन करके गले का मेरी आवाज जो है उसको जरा छोटा कर दो, बारीक कर दो। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके कर दी। अब जनाब भेड़िया फिर आया अगले दिन जब बिल्ली चली गई, और उसने फिर कहा, लेकिन अब डॉक्टर ने गलती से उसकी आवाज बहुत आहिस्ता कर दी। अब उसने कहा वे अक्का वे अक्का वे सलक्का दरवाजा दरवाजा खोलो। उन्होंने कहा ये हमारी अम्मा की आवाज नहीं है। अब जनाब भेड़िए को फिर गुस्सा आया, वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा मेरी आवाज बिल्कुल बिल्ली की तरह कर दो। अब तीसरे दिन जब वो आया, जब बिल्ली चली गई, तो फिर उसने बिल्ली की आवाज में कहा बी अक्का बी बक्का बी सलक्का तिरबा चार, दरवाजा खोलो दुदू पी लो। अब बी अक्का बी बक्का और बी सलक्का जो थे वो भागे दरवाजा खोलने के लिए। तिरबा चार ने कहा मत खोलो, ये वक्त नहीं है अम्मी के आने का, ये वक्त नहीं है। वो अकलमंद था, ये जरूर भेड़िया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हमारे अम्मी की आवाज है। तो तिरबा चार जो है वो मिट्टी के ढेर के पीछे छुप गया, और बाकी तीनों ने दरवाजा जैसे ही खोला, भेड़ियों ने हप 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 करके तीनों को खा लिया और जनाब चला गया। अब जनाब जब बिल्ली आई तो उसने देखा दरवाजा खुला है, वो परेशान अंदर आई तो कोई नजर नहीं आ रहा। वो बेचारी, बिल्लियां होती हैं ना जब परेशानी में म्याऊं 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 करती हैं, उसने कहा बी अक्का बी बक्का बी सलक्का तिरबा चार कहाँ हो कहाँ हो। तो वो जनाब तिरबा चार निकला रोता रोता कि अम्मी वो भेड़िया आया था बी अक्का बी बक्का बी सलक्का ने मेरी बात नहीं सुनी, दरवाजा खोला भेड़िया खा गया। उसने कहा अच्छा, उनको सजा मिलेगी और तुम्हें इनाम मिलेगा, दरवाजा बंद करो मैं अभी जाती हूँ। बिल्ली जनाब बाहर आई, एक दरख्त के साथ उसने खूब अपने पंजे रगड़े, नाखून तेज किए, नाखून तेज करके ढूंढा, भेड़िया एक नदी के किनारे दरख्त के नीचे सोया हुआ था बेखबर। बिल्ली के बच्चे खा के पेट भरा हुआ, नींद आ गई। अब जनाब बिल्ली ने नाखूनों से यूं उसका पेट फाड़ा और बच्चे कुलबुल कुलबुल करते निकल आए। वेरी गुड, क्योंकि अभी बच्चे जो है जिंदा थे, ज्यादा देर नहीं हुई थी। उसने बच्चों को एक एक थप्पड़ लगाया और ले गई, और वो रो रहे तिरबा चार को जनाब खाने के लिए बड़ी अच्छी जो बिल्ली जो है लेके बाहर से केक का टुकड़ा लाई थी पीस, वो तिरबा चार को दिया। लेकिन तिरबा चार अच्छा बच्चा था, उसने कहा नहीं अम्मी मैं अकेला नहीं खा सकता, मेरी बहन और भाइयों को भी दे दो। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा दे के उन्होंने कहा तिरबा चार और बीबक्का और तिरबा चार सबको अम्मी ने कहा कि देखा है मैं ये कहती थी। उन्होंने भी अक्का भी बक्का और भी सलिक्का ने तौबा की और कहा हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे बनेंगे। तो सब खुश खुश रहने लगे। वेरी गुड। अच्छा जी, कैसी थी कहानी?
अच्छी थी, आप पकड़ो ना ये माइक जरा। अच्छा, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला शान, कोई बताएगा? कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। किस चीज में? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ने जल्दी की ना कि बस जल्दी जल्दी सोच समझ के फैसला करना चाहिए। एक और बात भी कि अम्मी जो कहे उनका कहना मानना चाहिए बच्चों को। और क्या हमें पता चला इस स्टोरी के अंदर से? बच्चों को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए जब तक कि कोई नोन शख्स ना हो। हाँ। कोई बाहर से आके गेट खटखटाए या बेल बजाए तो फौरन जाके दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, खासतौर पे सूरत में बच्चों कि अगर आप घर में अकेले हैं। वैसे इसमें एक और भी चीज है बड़े मजे की कहानी के अंदर, वो पता क्या है? हाँ। कि कुछ भी हो जाए हमें शेयरिंग करके खाना चाहिए। हाँ, जो शेयरिंग उन्होंने खाया, शेयरिंग इज केयरिंग। केयरिंग, हाँ जी भाई। अच्छी खाला, बहुत मजे की कहानी थी। और अब हम जरा बात करेंगे फिश की। अच्छा जी शायाना, हमें बताएं इनका ख्याल आप कैसे रखते हो? जैसे कि मैं शुरू में आपको साथियों बता रहा था कि आज हमारा वो पेट है जिसकी केयर करना बहुत मुश्किल है, और मछलियाँ वो पेट होती हैं जो कि बहुत जल्दी मर जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है। बिल्ली कुत्ता तो अपना ख्याल खुद भी रख लेते हैं, मुर्गियाँ तो सब ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन मछलियों का ख्याल रखना पड़ता है। तो क्या जनाब, जरा ऊंची आवाज़ में बताओ शायान, कैसे ख्याल रखते हो इनका, क्या करते हो? इनका बस रात में पानी चेंज कर देते हैं और खाना दे देते हैं। रात में पानी चेंज करना ज़रूरी है और खाना देना जरूरी है। तो अभी इनका ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ? हाँ जी। तो टाइम हुआ तो खाना किधर है? ये खाना भी साथ आया हुआ है। चलो जी, हम फिश को खाना देंगे। ठीक है। जल्दी जल्दी खोलो पैकेट और इनको खाने में है क्या? खाने में क्या? चिकन टिक्का है, चिकन रोस्ट पराठे हैं, क्या है? ये इनका अपना फूड है। इनका अपना फूड है। चलो डालो। ये देखो मछलियाँ, कैसे हलचल हलचल मच गई अंदर। इनके नाम क्या है? एक का नाम फैनी, एक का नाम जैकी। जैकी और फैनी, नहीं तो पहचानते कैसे हो? मुझे तो जैकी भी फैनी लग रही है, फैनी जैकी लग रही है। ये जैकी और ये फैनी। ये फैनी है और वो जैकी है। भाई ये शायद नहीं पहचान सकता है कि फैनी कौन है, जैकी कौन है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच किड्स, आपने हमारे साथ आज कहानी सुनी, और आपका बच्चा शुक्रिया। और आप भी इसी तरह से हमें फेसबुक पे फीडबैक देते रहें कि आपको किस्सा की कहानियां सुननी है। हम चलते हैं एक मशहूरियां ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगला सेगमेंट। जी जनाब, वेलकम बैक। और आज के रिदा के सेगमेंट में हमने एक बहुत अहम मौजू पे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये है जनाब, बहुत से मर्द हजरात ने इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए किया कि वो कहते हैं हमारी भी बात होती है। यूजुअली मॉर्निंग शोज़ में सिर्फ ख्वातीन को बताया जा रहा होता है कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, लेकिन क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो नहीं है, हम हमेशा क्लियर करते हैं हमारा ब्रेकफास्ट शो है, ये नाश्ता शो है। तो इसके अंदर हम मर्द हजरात, ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको साथ लेके चलते हैं। और बहुत से लोगों को इस चीज़ में, इवन मुझे भी, हालांकि मुझे फैशन का और ट्रेंड्स का और इन चीज़ों का बहुत शौक है, लेकिन मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ जूतों का जब मसला। बिल्कुल बिल्कुल, कि जूते कब क्या पहनने। तो आज हमने रिदा से रिक्वेस्ट की आपकी फरमाइश पे कि मर्दों को जूतों के हवाले से कुछ टिप्स दें। जनाब असल में मैं जब किसी से मिलती हूँ सबसे पहले शूज में देखती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी नजर जूतों पर ही जाती है। अच्छा। शूज जरा नहीं, मतलब चेहरे भी होते हैं, बाद में चेहरे देख लेते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, जूते नहीं बदलते। अरे वाह। अच्छा जनाब, बेसिकली 10 से 12 टाइप्स ऑफ शूज़ होते हैं जो कि मर्द हजरात पहन सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है, ये 6 जो जूते मैं आप बताऊंगी, अगर वो आपके पास हैं तो आपकी वार्डरोब कम्प्लीट हो जाती है। ठीक है, यानी 6 मुख्तलिफ टाइप्स। हाँ बिल्कुल। किस जूते के साथ सॉक्स पहनने, किसके साथ नहीं पहनने, ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मल शूज़। नंबर 1 पे हमारे पास है जी, इनको हम फॉर्मल शूज़ बोलेंगे, इन्हें हम ऑक्सफर्ड शूज़ भी कहते हैं, जैसे कि तौसीक ने आज पहने हुए हैं। और पुराने वक्त में स्कूल शूज़ भी कहा जाता था। हाँ। बड़ा ये बड़ा मॉडिफाई अब ये हो गए हैं। Exactly. अच्छा, ये जनाब आप फॉर्मल शलवार कमीज़ के साथ भी पहन सकते हैं, ये आप पेंट कोट के साथ भी पहन सकते हैं, वेडिंग हो गई, इंटरव्यूज़ हो गए, किसी फॉर्मल डिनर पर जाना है, ये आप पहन के एक लुक को कम्प्लीट कर सकते हैं। ऑफिशियल काम बिल्कुल। और शलवार कमीज़ जब भी आप पहने जूतों से हटके में टिप दू तो उसके ऊपर वेस्ट कोट लाजमी पहने, वो बड़ी अच्छी लुक लगती है, वो बड़ा अच्छा लगता है। ग्रेट। अब नंबर टू पे है जी लोफर्स। लोफर्स थोड़े से स्मार्ट कैजुअल में आते हैं, इसके साथ सॉक्स पहनना ज़रूरी है, या
आपको ब्लैक में भी मिलते हैं, और अगर आपने कैजुअल की तरफ जाना है तो लोफर्स आपको ब्लू, ग्रीन और रेड हर तरह के कलर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक इसे कहते हैं ना कि बड़ी अच्छा। नाउ वी हैव स्नीकर्स। स्नीकर्स जो है जनाब, यू कैन वेयर देम विद सॉक्स एंड विदाउट सॉक्स आल्सो। और वो जो हाफ सॉक्स होते हैं वो पहन सकते हैं, वो पहन सकते हैं। बिल्कुल कलरफुल सॉक्स, व्हाइट स्नीकर्स आपके वार्डरोब में लाजमी होने चाहिए। एक बात और मैं बता दूं कि स्नीकर्स जो है कभी भी आपने फॉर्मल पैंट के साथ या फॉर्मल कपड़ों के साथ नहीं पहने। मैं तो पहनता हूँ। कब पहने? मैंने शो में पहने। कब पहने? यही व्हाइट स्नीकर्स। अच्छा, रेडी? ओ हाँ, आई हैव टू लुक एट दैट एपिसोड। अच्छा, बिल्कुल देखना, मुझे बताना कैसे लगे। जरूर जरूर। और सॉक्स कलरफुल पहने थे या? कलरफुल पहने थे। परफेक्ट हो गया, ये फ्यूजन आपने किया है। नहीं ना? लेकिन आप, बात ये कि ऊपर सूट नहीं था, टाई नहीं थी, ऊपर ऊपर स्मार्ट कैजुअल्स ही थे, लेकिन स्नीकर्स। लेकिन ये कि स्मार्ट कपड़ों के साथ टाई के साथ आप स्नीकर नहीं पहन सकते। स्नीकर व्हाइट जो है वो सिग्नेचर कलर होता है। Exactly. इसके बाद जो हमारे पास आते हैं जी, वो क्या है, लेट्स सी व्हाट वी हैव। दीज आर बूट्स, सो दैट अर्बन रगेड लोग जो आप चाहते हैं ना, जो कि आप खाकी पैंट के साथ भी पहन सकते हैं, आप अच्छी सी टी शर्ट हो, जीन्स के साथ बहुत अच्छे लगते, बहुत जबरदस्त लगते हैं। अगर स्लिम कट जीन्स है तो आपकी जो अच्छो खासतौर पर जो लोग थोड़ा सा पतला दिखना चाहते हैं, मर्द हजरात, उनके लिए बेस्ट है। और इसके बूट का देखें, जो अपर हिस्सा है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो आप अपनी जीन्स को इसके अंदर टक इन भी कर सकते हैं। स्लिम कट जीन्स, बिल्कुल बिल्कुल। दीज आर द चप्पल्स, हमारी पहचान है, ये पेशावरी चप्पल है। इनके साथ हमें सॉक्स नहीं पहनने, और ये डिफरेंट स्ट्रैपी भी होती हैं, नॉन स्ट्रैपी भी होती हैं, ब्लैक, बेज, ब्राउन, ऑफ वाइट। ये चप्पल अगर आपके साथ हो तो यू कैन, अच्छा अगर आप फ्यूजन करना चाहते हैं तो आप ये चप्पल जीन्स के साथ पहन सकते हैं, ये आप शलवार कमीज के साथ पहन सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। लेकिन सॉक्स पहनने की गलती बिल्कुल भी ना करें इनके साथ। अच्छा, लेकिन बहुत से फॉर्मल वेयर के अंदर मैंने देखा है कि कोई फॉर्मल डिनर है और उसके अंदर आपने वेस्ट कोट पहनी है, शलवार कमीज पहना है, नीचे ये चप्पल है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर मैंने देखा लोगों को सॉक्स पहनते हैं, लेकिन give it a little formal touch. Ethically socks नहीं पहनने चाहिए इनके साथ, क्योंकि इसको बनाया इस कट के साथ है कि पांव नजर आता है इसमें, क्योंकि फ्रंट से भी टो ओपन होती है, पीछे से भी खुला है, तो फिर आप सॉक्स पहन के आपने तो सारा डिजाइन का जैसे बेड़ा गर्क हो गया ना। ठीक है, तो सॉक्स नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, अच्छा आखिर में हमारे पास आते हैं जी जॉगर्स या रनर्स। ये इनको स्नीकर्स से लोग जो है वो मिक्स कर देते हैं। आप जब रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आपका सारा जो वजन है पूरे जिस्म का आपके पाँव के ऊपर आता है। सही। तो जॉगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे जॉगर्स लें, ताकि आपकी जो है बाद में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन एक अच्छे जूते में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी लुक को कम्प्लीट कर रहे हैं और कोई तकलीफ आपको नहीं हो रही है, क्योंकि सारा दिन पाँव पर खड़े होते हैं आप, तो एक जूता अच्छा होना चाहिए जो कम्फर्टेबल हो। और वो कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो और जूते एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका पांव, आपकी पूरी बॉडी की, अब इसको सिर्फ देखने से के अलावा फिजिकल नीड के हिसाब से बात करें तो पांव ने आपकी पूरी बॉडी का लोड उठाया हुआ है, उसका कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है। आपकी जान में बड़ा फर्क पड़ता है अगर जूता कंफर्टेबल नहीं हो तो, और जूता हल्का सा लग रहा हो ना तो वो आपके चेहरे पे आ रहा हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहती है ना, मैं जूते पहले देखती हूँ शख्सियत में, जब किसी को मिलूं तो चेहरा भी देख ले तो पता ये लग जाएगा कि जूता लग रहा है कि नहीं। रेदा, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया, हमेशा की तरह आपसे हमने सीखा। हम चलते हैं जी कुछ मशहूरियाँ ब्रेक की तरफ। मशहूरियाँ ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ तरह आज हम सेट के ऊपर सोचेंगे कि किस तरह हम स्विमिंग कर सकते हैं। क्या स्विमिंग सिर्फ पानी में हो सकती है, या आप ख्यालों में और आंखें बंद करके भी पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं? लेट्स ट्राई दिस आउट, रहिए मेरे साथ, एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। और आज जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ स्विमिंग की बात होगी, उसकी वजह यह है कि हमारी पाकिस्तान का प्राइड इंटरनेशनल स्विमर, जो पाकिस्तान के लिए 75 से ज़्यादा मेडल्स लेकर आई, बीजिंग ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, किरण खान, आप सब इनसे वाकिफ हैं। आई एम सो वेरी हैप्पी कि किरण आज हमारे शो में मौजूद हैं। कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, इनसे हम कुछ स्विमिंग के टिप्स भी लेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं कि किरण, पहले भी तकरीबन हर टीवी चैनल पे इनका इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन आज के इनके पेरेंट्स और पहले के पेरेंट्स में एक फर्क है। पहले हमेशा अकेले जाया करती थी, लेकिन आज हमने जब इनसे रब्ता किया तो पता चला हमें बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में किरण की शादी हुई है और तलहा जंजुआ जो इनके हस्बैंड है उनको भी हमने साथ बुलवाया। तलहा,
گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ گڈ مارننگ جی، وعلیکم السلام۔ میرا خیال ہے شادی کے بعد آپ دونوں پہلی بار اس طرح صوفے پہ کھڑے ہیں۔ جی بالکل، ہے نا؟ کیا کچھ یادیں تازہ ہو رہی ہیں شادی والے دن کی؟ نہیں، ایسا سچ نہیں، میرے لیے بڑا نارمل ایک چیز ہے، لیکن طلحہ کے لیے آئی تھنک یہ سب کچھ اٹس ویری نیو اس طلحہ کے لیے، بیکاز اس نے آج سے پہلے کبھی میرے ساتھ انٹرویو نہیں دیا۔ آئی تھنک ہی از ناٹ یوز ٹو آف دس کائنڈ آف سچویشن، ہے نا؟ طلحہ کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انٹرویوز بہت سارے پہلے بھی مطلب دیتے رہے ہیں، بٹ بیوی کے ساتھ انٹرویو دینا جو ہے آپ کو پتا ہے وہ بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی شادی کو جمعہ 8 دن ہوئے اور خطرناک کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آبویسلی کرن کے ہسبینڈ ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو مدعو کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہاؤسنگ کی انڈسٹری ہے، یعنی یہ جو آپ فلانا کہتے ہیں جی توثیق ہاؤسنگ سوسائٹی یا حیدر ہاؤسنگ سوسائٹی یا فلانی ہاؤسنگ سوسائٹی یا فلانا شاپنگ مال یا فلانے بلڈرز اور فلانا پلازا، اور اس پہ انویسٹ کریں، اور یہ اس چیز کے یہ ایکسپرٹ ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم طلحہ سے کچھ ٹپس لیں گے۔ کرن، ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ سوئمنگ ایک پورا ایک یونیک ایکسپیرینس ہے، آپ کو دنیا سے کاٹ کے ایک اور دنیا میں لے جاتا ہے۔ واٹ ڈز واٹر ڈو ٹو یو؟ پانی آپ کی نفسیات کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پانی جو ہے، اس کو ہم اگر دیکھیں نا، کہ پانی ایک ریلیکسیشن کی ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں جو لوگ سوئمنگ پول پہ ایکسس نہیں کرتے وہ نہروں میں چھلانگیں مارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ پورے پنجاب میں یہ ایک ٹرینڈ ہے، سندھ میں بھی بہت ٹرینڈ ہے۔ جی، جس طرح ڈفرینٹ واٹر پارکس بھی بنے ہوئے ہیں لاہور کے اندر، ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہ پہ پانی، کیونکہ جتنے بھی پارکس بنائے ہیں وہاں پہ پانی ضرور موجود ہے، کیونکہ ہر بچہ ہر بڑا پانی میں، گرمیوں میں پانی میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، پانی میں کھیلنا پسند کرتا ہے، ناٹ ایز اے کمپٹیٹیو سوئمنگ کے لیے تو نہیں، لیکن لوگ پانی میں جا کے ویسے ہی بندہ بہت خوش ہوتا ہے، بیکاز بچے کو ٹب میں بھی آپ، ہاں جی، آپ بٹھا دیتے ہو کتنا خوش ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک خوشی ملتی ہے۔ اب وہ ایک ٹھنڈی جگہ ہے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا اور آپ ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو کمپٹیٹیو سوئمرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بالکل بھی ریلیکسیشن کا کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار تم لوگوں کو تو یہ سوئمنگ آتی ہے، اٹس ویری ایزی فار یو۔ میں نے کہتی ہوں اف آپ اگر ہماری جگہ آ جاؤ تو آپ کو پتا چلے کہ سوئمنگ سے زیادہ بری چیز بھی ہمیں کوئی نہیں لگتی۔ تو اٹ نو اٹ ہیز ٹو سائنس ٹو اٹ، اور ہر لوگوں کی اپنی سب کی اپنی پرسپشن ہے سوئمنگ کے بارے میں یا پانی کے بارے میں۔ کچھ لوگ واٹر فوبیا ہوتی ہے، سب پیر ڈال کے بیٹھیں گے، جو پانی میں نہیں اتریں گے ان کو ڈر لگتا ہے، سب کو ہی ہوتا ہے۔ آئی تھنک مجھے بھی بچپن میں، کیسے دور کیا؟ فوبیا کا دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یو ہیو ٹو فائٹ یور فیئرز۔ آپ کو پانی میں اترنا ہی پڑے گا اور آپ کو سوئمنگ سیکھنی ہی پڑے گی، ادر وائز آپ کا فوبیا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری گڈ کوچ جو آپ کو پانی میں اتارے اور آپ کو سوئمنگ سکھائے آگے۔ آپ کو طلحہ، جب پتا چلا کہ ایک انٹرنیشنل اسٹار سے آپ کی شادی ہو رہی ہے، سو واز کوئی خاص مومنٹ، کوئی خاص فیلنگ تھی یا بس ٹھیک ہے، شی از جسٹ لائک اینی ادر گرل؟ نہیں، بالکل تھا، بیکاز الحمد للہ کرن از ون آف دوز فیمیل، کیا کہنا چاہیے، ان میں سے جنہوں نے اسٹیریوٹائپنگ جو ہے یہاں پہ آ کے ختم کی ہے۔ سوئمنگ کیونکہ ویسے بھی ایک، جب ہم فیمیل سائڈ کے پہ دیکھتے ہیں تو ایک ٹیبو مانا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس طریقے سے اس کو اپریسیشن نہیں ملتی، نہ ان کو انکریج کیا جاتا ہے۔ بٹ کرن نے جب ان سے میری ہماری انٹریکشن ہوئی، جب ایک دوسرے کو ہم نے جانا پہچانا، تو آئی واز ویری مچ پراؤڈ کہ آئی ایم بائی ہر سائڈ اینڈ آئی ایم سپورٹنگ ہر ان اے کاز، کہ ہم نے یہ اسٹیریوٹائپنگ ختم کرنی ہے۔ وی نیڈ ٹو گیٹ آور وومن امپاورڈ کہ وہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں، جس طرح سے کرن نے کیا۔ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ مزید کرن خان کو یہاں پہ دکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کرن اینڈ ہر فادر اور ہم تینوں مل کے جو ہیں اس پروگرام کے اوپر بھی آ رہے ہیں، جس کے اوپر ہم لوگ لڑکیوں کو ان کی ارلی ایج سے ان کو ٹرین کریں، ان کو سوئمنگ کی ٹیکنیکس بتائیں، جو ایک پراپر کوچنگ ان کو ملنی چاہیے وہ ان کو ملے، تو وہ ورکنگ آن دیٹ۔ لولی، گریٹ۔ کیا ارلی ایج کا تھوڑا ذکر کریں، کیا ارلی ایج میں سوئمنگ سیکھنا ضروری ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ جو ارلی ایج، جو چھوٹے بچوں کو ہم سوئمنگ سکھاتے ہیں، اس کو مولڈ کرنا بہت ایزی ہے پانی کے ساتھ۔ اس کو سوئمنگ سکھانی بہت ایزی ہے، کیونکہ جو جیسے ہی بچہ 10 ایئرس کی ایج کراس کر جاتا ہے، اس کے اندر وہ فیئرز بیٹھنا شروع ہو، کیونکہ وہ بھی واٹر فوبک ہو جاتا ہے۔ تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو اتنا ڈر نہیں ہوتا پانی کا، تو اس کو ذرا مولڈ کرنا، اس کو سنبھالنا ذرا ایزی ہے کمپیریٹیولی اینی بڈی ہوز 10 ایئرز اور اولڈ۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، کئی دفعہ کچھ مہینے کے بچوں کو پانی میں، ہاں، تو اس کا مطلب ہے نیچرلی انسان کی جبلت میں تیرنا ہے۔ ہاں جی، سو انٹرسٹنگ۔ اور میں کئی دفعہ ایسے ڈر جاتا ہوں کہ ارے یہ تو ڈوب جائے گا، نہیں، لیکن وہ بچہ نہیں ڈوبتا، بیکاز دے آر ویری ریلیکسڈ۔ بیبیز کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ریلیکس ہوتے ہیں، آپ ان کو کہیں پہ بٹھا دو وہ ریلیکس ہو کے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سوئمنگ کا یہی ایک ہے کہ اف یو آر سٹیف یو ول ڈراؤن، اف یو ریلیکس یو ول بی اپ۔ سچ بولنا، سوئمنگ آتی ہے؟
इनके लेवल की नहीं आती बट जान बचाने वाली स्विमिंग आ जाती है। आप मुझे सारा जवाब दे। जान बचाने वाली स्विमिंग हम कर लेते हैं। ग्रेट, एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक लेते हैं और मशहूरिया ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर तलहा से हम कुछ टिप्स लेंगे जी। ये जो अक्सर हम सुनते रहते हैं, ओहो भाई वो फलाने जो हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर प्लॉट ले लो, वहां पे अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, 2 साल के अंदर पैसे डबल और घर बनाना है कहां, कैसे पता लगे कि ये 1 नंबर काम है या 2 नंबर काम है, कैसे हम इस बात को जान पाए कि ये हाउसिंग स्कीम जो है ऑथेंटिक है नहीं है। तो थोड़े से टिप्स हम इनसे लेंगे और साथ साथ हम इनसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस इंडस्ट्री के अंदर टिप्स लेंगे। रही मेरे साथ एक छोटा सा मशहूरियन ब्रेक। जी जनाब, मशहूरियां ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर हम खुश आमदीद कहेंगे। किरण खान आज हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्विमर, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और तलहा उनके ज़िंदगी के नए नए जो साथी बने वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से गपशप चल रही है लेकिन अब हम बात शुरू करना चाहेंगे तलहा से। तलहा, अभी जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि हाउ टू, वो 3, 4, 5 हमें टिप्स बताएं, कैसे पता चले कि इस हाउसिंग स्कीम में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। देखिए, हमारे प्रोफेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं वो है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। तो जब भी आप दूसरी और तीसरी जो है ना वो मुझे पहले से बहुत दिस इज अ सेइंग इन आवर रियल एस्टेट इंडस्ट्री, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। यस, आप जब भी इन्वेस्ट करने के लिए किसी हाउसिंग सोसाइटी को देखते हैं, किसी साइट पे आप कोई लैंड देखते हैं, कोई ज़मीन देखते हैं, कोई प्लॉट देखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो प्राइमरीली होती है वो उसकी लोकेशन होती है कि आपका विसिनिटी जो है वो कितनी एक आपके शहर के करीब है। अगर आप सबर्ब्स में हैं तो वो कितना एक उसमें आ जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नॉर्मली ये होता है कि आप जब ज़मीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट्स के अंदर या लैंड के अंदर, तो यहाँ पर नॉर्मली अलॉटमेंट फाइल्स दी जाती हैं या बैलेटिंग होती है उन रियल इस्टेट के ऊपर। हमने बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं कि ये भी हैं जिसमें हम लोग पहले ज़मीन को 100% ही ख़रीदते हैं, उसके बाद उसको डेवलप करते हैं। उसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी आपके पास ये आ जाती है कि आपको उस ज़मीन को रिलीज़ नहीं करना पड़ता, यू आर दी ओनर ऑफ दैट लैंड। अब यहाँ पे हमारे अंदर पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है वो इसी चीज़ की है कि लोग ज़्यादातर उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी अलॉटेड होती है, गवर्नमेंट की तरफ से लीज़ हुई होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने उसको लीज़ के ऊपर लिया होता है, 15 साल 20 साल 50 साल 100 साल के लिए उसको उन्होंने लीज़ करके उस पर अलॉटमेंट करना शुरू कर देते हैं। वंस यू हैव इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट या वंस यू हैव इन्वेस्टेड इन द लैंड, उसके बाद आपको ये नहीं पता होता कि आपकी जो सेकंड जनरेशन है उसके लिए यहाँ पे वो रह भी पाएगी कि नहीं रह पाएगी, अंटिल नॉलेज अगर वो रिलीज होती है नहीं होती है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें जिस ज़मीन के ऊपर, क्या वो जिस जो भी डेवलपर हैं, जो भी उनका नाम है, क्या वो उसको ओन करते हैं या क्या वो उसके ऊपर अलॉटमेंट करते हैं। क्योंकि मेरे जैसा मासूम, हाँ मेरे जैसा मासूम शख्स तो बस वो इश्तहार देखता है और वो एक बस एक शोर मचा और अच्छा जी वो खालू मुजीब ने भी उसमें इन्वेस्ट किया तो खालू मुजीब ने क्योंकि किया तो मैं भी कर दूंगा, और हम इस तरह की डिटेल्स, ये क्या राइट होता है? ये आपका बिल्कुल राइट होता है। देखें जी, जो हमारे अंदर यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इस टाइम पे फ्लॉ है ना वो ये कि हम रेफरल्स के पीछे कुएं में भी छलांग लगा देते हैं। हाँ। कि जी फलाने ने जो है वो ये काम किया था, उसने कुएं में छलांग लगी तो हम क्यों ना लगाएं। तो ये चीज़ बड़ी गलत है, इस चीज़ को ख़त्म करें। देखें, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, रहने के लिए, जिस मर्जी मकसद के लिए, ये आपका राइट है, ये आपका हक है कि आप उस जगह की 100% इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं तो कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बहुत सारे लोगों के लिए वो उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है। तो ये उतना ही सेंसिटिव इशू आ जाता है कि आपको उस चीज़ का फिर उस हिसाब से क्रिएटर भी करना है। डेवलपर्स जितने हमारे पाकिस्तान में इस टाइम पे, बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं हमारे पास यहाँ पे, उसमें जो सबसे पहली चीज़, मतलब अगर मैं पर्सनली उसकी बात करूँ तो हम लोगों के जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें आपकी रजिस्ट्रीज आती हैं, इंतकाल आते हैं, फिर अगर आप कोई हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करें तो उसमें आपको किसी ना किसी एंड के ऊपर कंज्यूमर या कस्टमर है जो आपका बायर और इन्वेस्टर है उसके एंड पे आपको कुछ लीगल इंक्लाइनेशन देनी पड़ती है, उनके तहफ़ुज़ात आपको रखने पड़ते हैं। अगर सारा कुछ बींग द डेवलपर मैं ही रख लूँगा तो फिर उस बेचारे का क्या होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने पूरी उम्र मेहनत करके लगाए होते हैं और उसके बाद वो हमें जब बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, तो एक दफ़ा अफसोस होता है कि यार एक बंदे ने 60 साल 50 साल मेहनत की है, उसने सारी अपनी जमा पूंजी लगा दी, एंड में उस बेचारे को। किरण,
बातें समझ में सारा दिन घर में होती है और मुझे कुछ समझ नहीं आता जैसे मुझे तला को मेरी स्विमिंग की कोई बात समझ नहीं आती मुझे तला की कोई बात समझ नहीं आती। वो जमीन की बातें हैं, हाँ। ये पानी की बातें हैं। ये पानी और जमीन आके मिल गए हैं, है ना? तो आप लेकिन मेरा ख्याल ये प्लस भी है कि अगर दोनों एक ही प्रोफेशन से या स्पोर्ट्स तो फिर इंसान का जहन या शायद नहीं आप डिसएग्री करें। नहीं इस तरह तो क्योंकि हाफ ऑफ टाइम जब मैं तला को कोई अपनी एक प्रॉब्लम या कोई एक सिचुएशन बताती हूँ इसकी आंखें सब खुली खुली रह जाती कि मैंने इसे कहा क्या है लाइक जैसे मैंने इसकी किडनीज इसे मांग ली हो तो ये ऐसे होता है ब्लैंक बिल्कुल कहते हैं मैं सुन रहा हूँ मतलब ही गिव्स इट फुल अटेंशन पर इसको समझ कुछ नहीं आता कि मैंने कहा क्या है तो आई थिंक इट्स गुड कि हम दोनों दो डिफरेंट प्रोफेशन से हैं। हाँ लेकिन इट्स गुड के वही प्रोग्राम के आगाज में आज मैं बात कर रहा था कि सुनना बहुत जरूरी है तो आप इज अ वेरी गुड लिसनर इज अ गुड लिसनर ही इज अ गुड लिसनर और ये शी इज अ गुड लिसनर एज़ वेल मजबूरी मेरी भी है थोड़ी बहुत यही कहेगा। अच्छा किरण कौन से मेडल्स थे कौन सी मोमेंट्स थी जो यादगार मोमेंट्स थी मेरा ख्याल है आंखों में आंसू तो हर मेडल में ही आते हैं। नहीं आई थिंक आप जब मेहनत करके जाते हो और आपको उसका फल मिलता है मैंने जितने भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल मेडल्स लिए हैं बेशक उस गोल्ड है सिल्वर है ब्रॉन्ज है मेरी जान मेरी मेहनत तो सारों में एक बराबर ही लगी है और हर बंदा वहाँ पर जीतने के लिए नहीं आता कोई एक जीतता है कोई एक हारता है दैट्स द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्समैन। जितने भी मेडल्स मैंने पाकिस्तान के लिए लिए आई थिंक वो सारे मेरे बहुत क्लोज हैं सारे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी एक का अगर कहूँगी तो फिर आई थिंक उन बाकियों के साथ नाइंसाफी होगी। ये आपके कुछ मेडल्स की तस्वीरें भी अच्छा हम दिखाना चाह रहे हैं। हाँ जी ये मेरा अजरबैजान में आई थिंक हमारी टीम इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल है दैट वाज इन 2017 जस्ट राइट बिफोर माय मैरिज। दिस इज द फर्स्ट मेडल पाकिस्तान गॉट फॉर द इन बीटिंग इंडिया एंड श्रीलंका इन द साउथ एशियन गेम्स। बहुत सारी चीज़ें हैं आई थिंक डॉक्यूमेंट्रीज हैं स्विमिंग कंपटीशन है एंड आई थिंक आई लव कम्पीटिंग मुझे कंपटीशन करने का मज़ा आता है। आई थिंक इसीलिए स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना वो बाई बर्थ ही वेरी कम्पिटेटर होते हैं। यस ये अजरबैजान में ब्रॉन्ज मेडल है। यार सांस नहीं रुकता पानी के अंदर सब कुछ ये तो बहुत सारे मेडल्स आ गए। हाँ ये डोमेस्टिक लेवल पे है पाकिस्तान नेशनल लेवल पे और ये बीजिंग ओलंपिक्स है जब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। वैसे डोमेस्टिक लेवल पे आया है अबाउट 346 गोल्ड मेडल्स फॉर माय डिपार्टमेंट तो इंटरनेशनल मेडल्स की यू नो इनकी अपनी 346 तो 347 तो वैसे ही होगा कि जैसे बस 346 थे 347 हो गया मतलब रूटीन बन गया। इट्स बिन 17 ईयर्स 17 साल हो गए मुझे स्विमिंग करते हुए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान टीम के लिए स्विमिंग करते हुए और अपने डिपार्टमेंट के लिए स्विमिंग करते हुए तो आई थिंक ये मेरा पैशन ही है जो मुझे जो है मूव ऑन करता है बिकॉज एवरी विन मेक्स मी वांट टू हैव मोर। एक ग्रीड है एक ग्रीड है कि मुझे और करना है मुझे और चाहिए। नशा कह सकते हैं नशा भी कह सकते हैं आप मुझे लगता है ये मेरी नशा मुझे एक जुनून है मैं इसको छोड़ना चाहती थी पर मुझसे नहीं छोड़ा गया और आई केम बैक तो आई थिंक इसको स्विमिंग को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इफ आई एवर वांट टू क्विट और रिटायर। जुनून का क्या स्विमर की रिटायरमेंट एज होती है प्रोफेशनल उस पे तो होती है होती नहीं रिटायरमेंट एज नहीं होती डिपेंड्स के जब व्हेन यू फील के यार अब मेरी बस हो गई है या शायद और बहुत अच्छे लोग आ गए मैं शायद अब ना जीत सकूं ये मुझे लगता है कई दफ़ा मेरी अपनी बहन मेरी कंपटीटर है और वो मुझे हरा दे तो मुझे शायद इतना दुख ना हो जो कि मुझे कोई और हरा दे जितना मुझे बाद में दुख लग जाए तो आई थिंक कभी सोचती हूँ रिटायरमेंट के बारे में कैसे करती हूँ कोई रिएक्शन नहीं होता। वो शाम को खाना नहीं खाया नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ मैं बल्कि ज़्यादा जाके पार्टी करती हूँ। अच्छा मैंने कभी भी हार को उस तरह से अपने सर पे नहीं चढ़ाया क्योंकि मैंने बताया ना मैंने शुरू में बात की थी कि हर वक्त आप जीतने के लिए नहीं खड़े होते दूसरा बंदा भी साथ वाला मेहनत करके आया होता है और उसके अंदर एक अग्रेशन होती है आपको हराने की। आई थिंक किरण खान हैज़ बीन यू नो एक वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान स्विमिंग और हर बच्चे का आप अगर किसी भी बच्चे को बुला के पूछ रहे तो वो ये कहता है जी मुझे किरण खान को हराना है तो ठीक है आपको अपना एक भी बड़ी अच्छी फीलिंग है वैसे आप नहीं अच्छी फीलिंग नहीं है। अच्छा। मैं चाहती हूँ वो किरण खान जैसे बने ना कि किरण खान को हरा के एक कंपटीशन जीत लिया उसके बाद स्विमिंग छोड़ देते हैं।
अच्छा मैं ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना, तो ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे की ब्रेन वॉशिंग किस तरह से करते हैं या ब्रेन को ट्रेन कैसे करते हैं कि जी आपने किरण खान जैसे बनना है कि किरण खान को हराना है बस, या एक टारगेट उनको पकड़ा दिया जाता है। ग्रेट। और ऐसे में पेरेंट्स के साथ साथ फिर जैसा हमें तला जैसी मिसालें मौजूद होती हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी के साथ ही अपनी बीवी के उस प्रोफेशन को भी उसी तरह ऑन किया और उसको इनकरेज किया। एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक, और मशहूरियाँ ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं, रहिए मेरे साथ। मशहूरियाँ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको तलहा जंजुआ और किरण खान के साथ हम खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा किरण, ये बताइए कि नहीं है पाकिस्तान में हर शहर के अंदर स्विमिंग पूल्स की फैसिलिटी, तो जहाँ पे या नहीं है लाहौर जैसी नहर या पंजाब की दूसरी नहरों की तरह या सिंध में, तो जिनको पानी से दोस्ती का शौक है वो क्या करें? अच्छा इस तरह है कि जैसे लाहौर में और कराची में सबसे ज़्यादा स्विमिंग की जाती है, इस्लामाबाद में शायद इस तरह नहीं होता, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं वहाँ पे। ऐसे डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं स्विमिंग करने के लिए, नहीं लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लड़कों के लिए फिर कंपेरेटिवली आसान है क्योंकि लड़कों को छोटे छोटे क्लब्स हैं वहाँ पे, आपको एडमिशन मिल जाता है बड़े आराम से, आप जाके मेंबरशिप ले लो। लाहौर में तो अब दो नए स्विमिंग पूल भी बने हैं जो कि आई थिंक वेरी दे आर वेरी इकोनॉमिकल, और अब वहाँ पे स्विमिंग कोचेस वगैरह भी रखे गए हैं ताकि वो बच्चे जिन्होंने आगे एक्सेल करना है, अगर स्पोर्ट्स में आगे स्विमिंग में आगे एक्सेल करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर कर सकते हैं। डिपेंडिंग के हम जब नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं या पेशावर की साइड पर जाते हैं, वहाँ पे स्विमिंग का इतना रुझान है ही नहीं। वहाँ पे स्विमिंग पूल्स हैं, स्विमिंग पूल बने हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ लड़के स्विमिंग करते हैं, लड़कियों का स्विमिंग की तरफ शायद उस साइड पे है ही नहीं। और जितने भी हमारे कंपटीशन आई थिंक 17 ईयर्स में पेशावर वाली साइड से या नॉर्दर्न साइड से हमारे पास स्विमिंग के लिए कोई लड़कियाँ हैं क्योंकि उनका शौक ही नहीं है। दे आर मोर टुवर्ड्स स्क्वॉश, टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स और माउंटेन क्लाइंबिंग। जहाँ पहाड़ है उनकी पहाड़ से दोस्ती हुई, पानी से तो स्विमिंग पूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर। डिपेंड वो बस एक चीज़ है ना कि आप क्या आपके पास वहाँ पे अच्छे कोचेस हैं या आपके सिखाने वाला वहाँ पे कोई है, और आपका शौक कितना है स्विमिंग से, क्योंकि स्विमिंग ये नहीं है कि आपने एक दो दिन की है आप जाके कंपटीशन जीत जाओगे, इट टेक्स अबाउट अ ईयर टू। और पैसा भी चाहिए, पैसा बहुत महंगा है। ये एक शौक है ना वैसे, जैसे टेनिस एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स है, स्विमिंग भी बहुत महंगी स्पोर्ट है, स्क्वाश एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स है, आपका एक रैकेट टूट जाए, आपका एक बॉल फट जाए तो यू नो यू हैव टू बाय अ न्यू वन। स्विमिंग में भी इसी तरह ही, अगर आपकी कैप या गॉगल कुछ चीज़ फट जाए, आपकी डाइट पे बहुत पैसे लगते हैं क्योंकि आपका खाना टोटली डिफरेंट हो जाए, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपको पूरी करनी होती है, तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। इसमें आपको फाइनेंसिस भी चाहिए, इसमें आपको टाइम भी चाहिए, और इसमें आपको एनर्जी जो आपकी वेस्ट होती है वो ये नहीं कि आप एक हफ्ता जाके किसी कोच के पास ट्रेनिंग कर रहे हो, नेक्स्ट डे आपका जी मुझे चैंपियन मैन बन गया हूँ। बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत डेडिकेशन के लिटरली मैं खुद एक स्विमर हूँ और जब मैं स्टार्ट करती हूँ तला ने देखा वह कि इट ब्रेक्स मी डाउन, और मैं होती हूँ कि यार मेरे से नहीं होती, मेरे से नहीं, क्योंकि वही आपका एक टर्निंग आउट पॉइंट होता है कि आप कितना सस्टेन कर जाते हो। और इसके लिए वो जुनून चाहिए होता है जिसका आप जो बस फिर मैं अपने सब कुछ पुराना रिकॉल करना पड़ता है कि ये मैंने शुरू क्यों की थी, सो आई कांट एंड इट लाइक दिस, कि मैंने स्टार्ट किया और मैं कह रही हूँ कि आई वॉन्ट टू क्विट। सो आई लव दिस डेडिकेशन। तरह आपका जो प्लान है कि पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर बच्चियों में और बच्चों में भी स्विमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उस सिलसिले में क्या आप जैसे इंडिविजुअल्स कुछ कर सकते हैं या स्टेट को कुछ करना है या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ होना है? मैं इस बात को इस तरह थोड़ा सा तस्वीर में शुरू करूँगा कि स्पोर्ट इज़ बिकमिंग अ लग्जरी रादर देन अ लेयर। इसमें हमें गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है बाय द नेम ऑफ खालिद जमान एंड किरण खान स्विमिंग क्लब, उसमें जितने भी हम लोग जितने बच्चों को बच्चियों को ट्रेन कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के अंदर रहते हुए, उनको जितना हमारी कोचिंग एक्सपर्टीज़ जितनी है किरण के पास, इनके वाले साहब खालिद साहब के पास, तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने ये इनिशिएटिव ले लिया है। और खालिद साहब और किरण काफ़ी अरसे से जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इस इनिशिएटिव को जैसा उन्होंने कहा कि नॉर्थ के अंदर ये बहुत कम आपको लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, इवन के पंजाब के अंदर भी बड़े शहरों में आपको ये चीज़ें बहुत सारी फिर नजर आ जाएंगी। मेरे ख्याल कराची में सबसे ज्यादा ट्रेंड सबसे ज्यादा ट्रेंड है, सबसे ज्यादा ट्रेंड है। और दूसरी चीज़ ये कि पंजाब के अंदर भी अब जाके थोड़ा बहुत हमें नजर आया है कि स्विमिंग का या थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ वापस लोगों का रुझान आना शुरू हो चुका है। इसमें थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट हमें हमारे साथ सपोर्ट करती है, हमारे जैसे मजीद इंडिविजुअल्स और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स को स्विमिंग को नहीं और बहुत सारी स्पोर्ट्स को कह रहे हैं उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें वही वाली बात है कि वी कैन मेक स्पोर्ट्स अ लेयर अगेन रादर देन अ लग्जरी। जैसा किरण ने अभी बात की कि अब ये इफ़ यू हैव मनी तो आप खेल सकते हैं,
جو کہ اس طرح میں رہتا ہے سوئمنگ پول کو بنانا اور مینٹین کرنا بہت ایکسپینسیو ہے اٹس ویری ایکسپینسیو آئی تھنک ایک چیز سے اگر طلحہ اگری کرتا ہے میرے ساتھ کہ آئی تھنک یہ اسکولس کی اور یونیورسٹیز کی اور کالجز کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے پاس ایک فیسلٹی ہے اینڈ دیر ناٹ یوزنگ اٹ پراپرلی یا انہوں نے اگر کسی بچے کو اسپورٹس بیس پہ ایڈمیشن دیا ہے دے شوڈ ویریفائی کہ وہ بچہ کھیل رہا ہے کہ نہیں کھیل رہا ہے کیونکہ اگر آپ نے صرف ایڈمیشن لے کے اسپورٹس چھوڑ دی ہے تو آئی تھنک اس کی اسکالرشپ بھی ادھر ہی دیر اینڈ دین ختم کر دینی چاہیے کیونکہ آپ کا بیس کیا ہے کہ آپ نے اسپورٹس بیس پہ اسکالرشپ لی ہوئی ہے اگر آپ اسپورٹس ہی نہیں کھیلے اینڈ دین یور بیک انٹو دی سٹڈیز کہ وہاں جا کے پھر اتنا اکیڈمک پریشر آ جاتا ہے وہ تو ہے لیکن آپ کو پتا ہے میرے بھائی بھی اسپورٹس میں رہ چکے ہیں وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کی اسپورٹس بیس اسکالرشپ تھی دے ور آلویز دیئر فار دیئر یونیورسٹی اور ان کی یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی تھی کہ جتنے بچے اسپورٹس کھیلتے ہیں ان کو اسپورٹس کھلائی جائے ہفتے میں دو بار ہاں اسپورٹس کے نمبر ملتے ہیں ان کو ہفتے میں دو بار ان کا اسپورٹس پیریڈ لازمی تھا ایون ان اسکول ان کالج اینڈ ان یونیورسٹی لیکن ہمارے یہاں کیونکہ یونیورسٹیز نے اتنا زیادہ اسٹڈیز کا پریشر بنا دیا کہ وہ جو انہوں نے گراؤنڈز بنائی ہوئی ہیں وہ خالی ہوتی جا رہی ہیں جو سوئمنگ پول بنائے ہوئے ان میں سے پانی نکال دیا ہوا ہے تو آئی تھنک ان کی بھی کافی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ کیونکہ وہی ایک ایج ہے جس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہو when you cross 25 آپ کے اوپر اور بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو جتنی آپ ٹین ایج میں تو جتنا آپ ٹین ایج میں آپ اچیو کر سکتے ہو وہ پھر آپ 25 کے بعد نہیں کر سکتے گریٹ طلحہ اینڈ کرن تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می دس مارننگ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ساتھ دیا ہمارا اس سیشن میں زندگی نے دی اجازت تو پھر ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا خدا حافظ